महाराष्ट्र की आज की राजनीति को देखकर मुझे महाभारत के डायलॉग याद आ गए हैं जो पितामह भीष्म ने कहा था जब यह समस्या पैदा हुई थी कि युवराज कौन बनेगा। उस वक्त पितामह भीष्म को कहा था कि आप अपना निर्णय सुनाइए। पितामह ने कहा था कि न्याय की मांग यही है कि किसी के साथ अन्याय न हो। युधिष्ठिर भी युवराज था और दुर्योधन भी युवराज है, इसलिए मैं आज दुखित हृदय से राज्य के विभाजन का प्रस्ताव रख रहा हूं। हस्तिनापुर राज्य को दो भागों में विभाजित कर दीजिए और मुझे चैन से अकेला छोड़ दीजिए। अब ना तो आज भीष्म है और ना ही आज ऐसी कोई समस्या है, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की इस राजनीतिक उठापटक ने महाराष्ट्र को हस्तिनापुर बना दिया है। मुंबई नगरी कुरुक्षेत्र बन गई है, लक्ष्य मछली की आंख बन गया है। ये चारों पार्टियां जो आज कल एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं, ये चारों पार्टियां ऐसे लगती हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में बैठी हुई हैं और राजगद्दी द्रौपदी बन गई है। अब कौन अर्जुन बनकर सही निशाना लगाएगा ये तो वक्त बताएगा, परंतु दुख की बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है वो एक तरह का पॉलिटिकल ड्रामा है, नौटंकी कह सकते हैं इसे आप। इसमें पब्लिक कहां है, जनता कहां है? जनता को सिर्फ ये कह दिया गया है कि लाइन में खड़े रहो और इंतजार करो कि कौन राजगद्दी संभालेगा, कौन फ्लोर टेस्ट में जीतेगा। वो जनता जिसके इलेक्शन के पहले हाथ जोड़ जोड़ कर हर नेता वोट मांगता है कि आप तो जनता जनार्दन है, आप जो आदेश देंगे वो सरंखों पर, और उसी जनता को आज कोई नहीं पूछ रहा। तिकड़मबाजी लगा लगा कर पहले दो पार्टियों ने आपस में अलायंस किया, बीजेपी और शिवसेना, उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले। नियम के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना को सरकार बना लेना था, परंतु पहले भी कह चुका हूं कि शिवसेना ने एक बचकानी हरकत की सीएम पद मांगकर, और वो अपना अलायंस छोड़कर दूसरे दो पार्टियों के साथ मिलकर ये कह रही है कि हमारे पास नंबर्स हैं। और कल परसों जो कुछ हुआ, बीजेपी और अजीत पवार ने जो कुछ करके अपने आप को सीएम भी बना लिया है और डिप्टी सीएम भी बना लिया है, अचंभे की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये राजनीतिक, ये अच्छी राजनीति नहीं है, पॉजिटिव राजनीति नहीं है। मेरे हिसाब से तो एक ऐसा नियम बनना चाहिए कि जब कभी भी कोई इलेक्शन के पहले पॉलिटिकल एक अलायंस करता है वो उस अलायंस को नहीं तोड़ सकेगा। अगर वो तोड़ेगा तो फिर से इलेक्शन होगा, क्योंकि आपने जनता का वोट इसलिए लिया है कि आप साथ में हैं। लेकिन अगर आपको ये छूट है, आप बेशर्मी की हद पर जाके कह सकते हैं कि अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये दो आदमी हैं, ये दो पार्टियां हैं जिनके पास 55 है, जिनके पास में इतने हैं, हमारे पास 170 है, और दूसरी पार्टी कहती है कि मेरे पास इतने 170 है। तो ये तो जनता का निरादर हुआ। जिस जनता को आप जनार्दन कहते हैं और कहते हैं आपका आदेश सर आंखों पर, उस जनता को तो साइडलाइन कर दिया गया है। ये जनता के साथ नाइंसाफी है, ये इलेक्शन प्रोसेस के साथ नाइंसाफी है। बीच में तो किसी ने टीवी पे भी कह दिया था, किसी नेता ने शायद मैं समझता हूं शिवसेना की तरफ से कहा गया था कि अब तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन की क्या जरूरत है, वोटिंग की क्या जरूरत है, डिसाइड कर लेते हैं कि कौन पार्टी बनाएगा। अब इससे ज्यादा डेमोक्रेसी का अपमान नहीं है? हम कहते हैं कि हम पूरे विश्व के हम सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं, ये डेमोक्रेसी है आपके पास? पब्लिक से वोट मांगते हो, फिर पब्लिक के वोट मिलने के बाद में फिर गणित गुणा भाग आप लगाकर पार्टी बनाने की कोशिश करते हो। इसलिए मैं सलाह देना चाहता हूं आगे आने वाली सरकार का जो एक ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है इलेक्शन का, इलेक्शन कमिश्नर से भी मैं कहना चाहूंगा, ऐसा नियम बनाइए कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं पब्लिक को जो आप मैनिफेस्टो में लिख के बताते हैं वो, अगर आपने वो नहीं भी किया तब भी जनता को वोट लेने का वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। आप अगर अलायंस तोड़ देते हो जनता को वोट वापस लेने का अधिकार होना चाहिए, तब जाकर इस तरह से नहीं होगा। अब देखिए शतरंज की बिसात तो बीत चुकी है,
चारों पार्टियां द्रौपदी के स्वयंवर में बैठे मछली की आंख में तीर मारना चाहते हैं। देखते हैं कुछ ही दिनों में पता लगेगा कि किसका तीर निशाने पर लगता है और कौन अर्जुन बनता है। मैं आशा करूंगा कि अच्छा अच्छी सरकार आए, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई को अभी भी प्रगति का बहुत बड़ा लंबा रास्ता तय करना है। सो मैं यही चाहूंगा, गुड सेंस प्रिवेल्स, अच्छी बातें नेताओं को आए और राष्ट्रपति भी और गवर्नर भी और सरकार भी मिलजुल कर एक ऐसा फैसला सुनावे अभी जो इसके हमारे देश के फेवर में हो, पार्टियों के फेवर में नहीं हो। यही मैं चाहूँगा।